देश के लिए क्या कर सकता है। जय हिंद। तो फाइनली दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड साउथ और हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों को धूल चटा चुकी फिल्म पठान इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपना फर्स्ट वीकेंड खत्म करके अब विगडेस में धमाकेदार एंट्री मार चुकी है और आज अपने छठे दिन यानी कि पहले मंडे में भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा होल्ड करते हुए कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म पठान के 6 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। जानने वाले हैं दोस्तों कि इस फिल्म ने सलमान खान, आमिर खान और सुपरस्टार अक्षय कुमार की किन किन फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ा है, क्या यह फिल्म साउथ की बड़ी बड़ी फिल्मों पर भारी पड़ी है या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बता दें आपको कि सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली 250 करोड़ की फिल्म है पठान, जिसके लीड में आपको शाहरुख खान के अलावा दीपिका, जॉन और सलमान खान नजर आए हैं। दोस्तों ये स्पाई यूनिवर्स की एक बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को यशराज जैसे बड़े बैनर ने प्रोड्यूस किया है। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर फिल्म पठान के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि पठान को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 5400 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और इस फिल्म को दुनिया भर में 7800 स्क्रीन्स दी गई थी, जो कि दोस्तों बॉलीवुड इतिहास की सबसे ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली फिल्म बनी। अपने टीजर, ट्रेलर और गानों की वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन हिस्टोरिकल ओपनिंग ली और इस फिल्म का जो पहले ही दिन का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा वो 57 करोड़ रुपए का रहा, जो कि एक तरह से एक हिस्टोरिकल कलेक्शन है। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया। क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को धमाकेदार रिव्यूज दिए और यही वजह रही दोस्तों कि पठान ने अपने पहले ही दिन बाहुबली और केजीएफ जैसी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तो तोड़ ही दिया था, साथ ही साथ दोस्तों बॉलीवुड की हाईएस्ट ओपनर फिल्म वॉर के भी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। अपने दूसरे और तीसरे दिन भी दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया। अपने दूसरे दिन तो दोस्तों इस फिल्म ने हिस्टोरिकल कलेक्शन करते हुए 68 करोड़ रुपए सिर्फ हिंदी में कमाए और 70 करोड़ रुपए के धमाकेदार आंकड़े को पार करने वाली बॉलीवुड इतिहास की पहली फिल्म बनी। वहीं दोस्तों अपने तीसरे दिन इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे उसमें एक थोड़ी सी ड्रॉप देखने को मिली और इस फिल्म ने कमाए 39 करोड़ 50 लाख रुपए। शुरुआती 3 दिनों में ही दोस्तों ये फिल्म 167 करोड़ रुपए के शानदार आंकड़े को पार कर चुकी थी। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के चौथे और पांचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने चौथे दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 53 करोड़ 25 लाख रुपए की शानदार कमाई करके दिखा दिया कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रुकने वाली नहीं है और शुरुआती 4 दिनों में दोस्तों 3 दिनों में इस फिल्म ने 50 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर दिया था। और इसी के साथ दोस्तों यह फिल्म 200 करोड़ रुपए के क्लब में सबसे फास्ट शामिल होने वाली फिल्म बनी थी और केजीएफ चैप्टर 2 के रिकॉर्ड्स को तोड़ चुकी थी, जिसने की शुरुआती 5 दिनों में 200 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हुई थी। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के पांचवें दिन के बॉक्स ऑफिस की, दोस्तों बताते चले आपको कि अपने पहले संडे में इस फिल्म ने एक बार फिर से हिस्टोरिकल कलेक्शन करते हुए सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है और एक बार फिर से यह फिल्म 60 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से पार करने में कामयाब रही है। और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने अपने फर्स्ट संडे में ही 62 करोड़ रुपए के नए रिकॉर्ड के साथ 282 करोड़ रुपए के आंकड़े को इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर टच कर लिया है और इसी के साथ यह फिल्म इंडियन सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म बनी है जिसने की शुरुआती 5 ही दिनों में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में 270 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार किया हो। जी हाँ दोस्तों, बताते चले आपको कि इस फिल्म ने सुपरस्टार शाहरुख खान की खुद की सभी बड़ी फिल्मों को, सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है, ऋतिक रोशन के कैरियर की हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म वॉर को और सभी बड़ी बॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड्स को सिर्फ 5 ही दिनों में तोड़ दिया है और दोस्तों इस फिल्म ने 282 करोड़ इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कमा लिए हैं। तो वहीं दोस्तों अगर बात की जाए इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों जिस तरह की शानदार कमाई यह फिल्म इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कर रही है उतनी ही धमाकेदार कमाई दोस्तों यह फिल्म ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर भी करती हुई नजर आई है। अमेरिका में दोस्तों यह फिल्म शुरुआती 5 ही दिनों में $9 मिलियन के आंकड़े को पार करने वाली बॉलीवुड इतिहास की पहली फिल्म बनी है, यानी कि दोस्तों इस फिल्म ने अपने शुरुआती 5 दिनों में अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर ही लगभग 72 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। यूएई, गल्फ कंट्रीज और
दोस्तों फ्रांस जर्मनी में भी ये फिल्म कई सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है, और यही वजह है दोस्तों कि शुरुआती 5 ही दिनों में इस फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से भी लगभग 210 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। ऐसे में दोस्तों सुपरस्टार शाहरुख खान के स्टारडम की वजह से यह फिल्म जिस तरह की शानदार कमाई दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर करने में कामयाब रही है, उसके बाद दोस्तों यह कहना गलत नहीं होगा कि शाहरुख खान इंडियन सिनेमा के आज भी सबसे बड़े सुपरस्टार है, और आज भी दोस्तों उनसे बड़ा बादशाह बॉलीवुड में कोई नहीं है। शुरुआती 5 दिनों में दोस्तों यह फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 540 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक कमाई कर चुकी है, और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने वॉर जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म के वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन 465 करोड़ और सुपरस्टार सलमान खान की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म टाइगर जिंदा है के 540 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड्स को भी टच कर लिया है। दोस्तों बताते चले आपको कि आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 6ठा दिन है। आज दोस्तों इस फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर असली टेस्ट है, और यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म को आज बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड करना था, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए इस फिल्म ने आज अपने 6ठे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी हिस्टोरिकल कमाई करती हुई नजर आ रही है। और आज की दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस है वो 6.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस और ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर पार कर चुकी है, जबकि दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की आज की भी एडवांस लगभग 11 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। सुपरस्टार शाहरुख खान, दीपिका और जॉन की दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज भी 25% की शानदार ऑक्यूपेंसी के साथ ओपनिंग ली है। आफ्टरनून और इवनिंग में भी दोस्तों इस फिल्म को लेकर काफी अच्छा क्रेज देखने को मिल रहा है। यही वजह है दोस्तों कि एक बार फिर से पठान इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 20 से 22 करोड़ रुपए के शानदार आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है, और इसी के साथ इंडियन सिनेमा की और बॉलीवुड की पहली फिल्म बनने वाली है जिसने कि सिर्फ शुरुआती 6 ही दिनों में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए के धमाकेदार आंकड़े को पार किया हो। और शाहरुख खान भी दोस्तों अब सुपरस्टार सलमान खान, आमिर खान और ऋतिक रोशन की तरह 300 करोड़ में अपनी एक बड़ी धमाकेदार फिल्म दे चुके हैं, और वो भी दोस्तों अपने धमाकेदार अंदाज के साथ। शुरुआती 6 ही दिनों में दोस्तों इस फिल्म का कलेक्शन 304 करोड़ रुपए का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म आज भी लगभग 45 से 50 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का शुरुआती 6 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी कलेक्शन 590 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। अब देखना यही है दोस्तों कि आने वाले 3 दिनों में और यह फिल्म कितने करोड़ की कमाई कर पाती है। मुझे लगता है दोस्तों कि यह फिल्म अपने फर्स्ट वीक में ही लगभग 750 करोड़ रुपए की कमाई करके बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर तोड़ देगी। और दोस्तों अगर यह फिल्म इसी तरह की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर करती रही तो 500 करोड़ रुपए दोस्तों यह फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में कमा चुकी होगी, और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी अगले हफ्ते में ही तोड़ देगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जिस तरह से पठान इंडियन बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुकी है, क्या उनकी आने वाली पैन इंडिया फिल्में यानी कि जवान और डंकी भी बॉक्स ऑफिस पर इसी तरह के रिकॉर्ड्स बनाएगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों क्या लगता है बॉलीवुड में अब सुपरस्टार शाहरुख खान से बड़ा सुपरस्टार कौन है, और क्या पठान का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहेगा या नहीं, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।